ਮੈਂ ਪਟਜਾਨ ਦਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਬੈਰੀਅਲ ਟੁੱਟੇ ਤੋਂ ਬੜਿਆ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕੇ ਬੈਰੀਅਲ ਟੁੱਟੇ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਲਗਾ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਲਾ ਭਈ ਹੱਥ ਲਗਾ ਹੱਥ ਨਾਲ ਹਾਂ ਭਈਆ ਤੂੰ ਸਰ ਧੱਕਾ ਲਾ ਸਰ 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 ਇਧਰ ਆਓ ਅਰਵਿੰਦ ਜੀ ਸਰ ਅਰਵਿੰਦ ਜੀ ਸਰ ਵਾ ਵਾ ਤੀਨੋ ਸਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕੋ ਕਿਰਾਏ ਵੀ ਸਰ ਕਿਰਾਏ ਮਿੰਟ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇਧਰ ਆ ਇਧਰ ਦੇਖ सर क्या रुख है सर शिवसेना का कृषि कानूनों पर और इस आंदोलन पर? हमने पहले दिन से कृषि कानून को विरोध किया है। सर सड़कों पर कटीले तार लगाई गई हैं, गड्ढे खोदे गए हैं, दिल्ली में महाराष्ट्र में किसान आ रहे हैं, रोकने के लिए किया गया है, क्या कहना चाहेंगे? पूरे देश के किसानों का ये जो आंदोलन चल रहा है ना, उसको पूरा समर्थन है। और महाराष्ट्र से खास करके आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे साहब ने मुझे खास भेजा है यहाँ हम सबको टिकेट सबको मिलने के लिए, कि हमारी पूरी ताकत शिवसेना सरकार आपके साथ है ये कहने के लिए मुझे भेजा है। मेरे साथ हमारे पूरे सांसद गण है यहाँ, और मुझे लगता है एक दो दिन में उद्धव ठाकरे साहब खुद बात करेंगे टिकेट साहब से। विपक्षी दल मांग कर रहे हैं कि राज्यसभा में कृषि कानूनों पर चर्चा हो, इस पर मांग करने से कुछ नहीं होगा। यह आंदोलन सड़क का है, सड़क पर रहेगा। सर इससे पहले विपक्ष नहीं था इधर से, ऑपोजिशन वाज नॉट हियर बिफोर, दे हैव कम हियर बिकॉज़ दे हैव गॉट एन एजेंडा। नहीं नहीं नहीं, ये गलत है। ये आंदोलन राजनीतिक आंदोलन नहीं है। सबको विरोध किया था कि कोई राजनीतिक पार्टी या दल यहाँ ना आए। सब गए, किसी को मंच पर नहीं आने का ये था। भी आए हैं और मंच और और, और जब 26 तारीख के बाद जिस तरह से यहाँ दहशतवाद हो गया, यहाँ जिस तरह से सबको कुचलने की कोशिश की हमारे किसानों को, टिकेट साहब को, तो हमको लगा कि हमारी ये जिम्मेदारी बनती है, हमारा कर्तव्य बनता है महाराष्ट्र के लोगों का, कि उनके साथ खड़े रहे, उनको हमारी संवेदना दे और कहे कि पूरा राज्य, पूरी शिवसेना, उद्धव ठाकरे साहब और हम सब उनके साथ हैं। ये कहने के लिए मैं सिर्फ यहाँ आया। सर ये भी कहा जा रहा है कि 2022 में जो विधानसभा चुनाव है, ऐसे में पार्टी चुनाव लड़ेगी, साथ ही पश्चिम में किसानों का वर्चस्व है, ऐसे में आप यहाँ पहुँचे हैं? नहीं, हम यहाँ चुनाव लड़ने नहीं आए हैं, हम सिर्फ टिकेट साहब को समर्थन देने आए हैं। और मुझे लगता है देश के हर नागरिक का कर्तव्य है कि यहाँ आकर उनको समर्थन दे। हम उनके साथ है, हम उनके साथ है। हमारे महाराष्ट्र से हजारों लोग यहाँ आए बैठे हैं, संदीप गिड्डे जी यहाँ है, वो भी हमारे साथ है। तो जो निर्णय होगा उनके साथ हम रहेंगे। सर आपको बंद है, काफी दिक्कत हुई है, रोड बंद है, काफी दिक्कत हुई है, हम साथ हैं। इतना रोड अगर चाइना बॉर्डर पे बंद करते तो चीन का जो अंदर घुस गया है ना, चीनी सेना, वो अंदर लड़ाक में नहीं घुस जाती। सर सर एक बात सर मराठी में बोल दीजिए, किसान आंदोलन पे क्या स्टैंड है आपका मराठी? हे पहा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की जनता, महाराष्ट्र सरकार, शिवसेना, माननीय शरद पवार साहब भी मैं उनका नाम लेता हूँ, और पूरी कांग्रेस जो हमारी सरकार है, सभी का समर्थन, जो नेतृत्व टिकेट साहब ने यहाँ बनाया है किसानों का, उनके साथ है।